तो इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग कभी हाइक यूज करते थे या फिर यूज करते होंगे तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम चैटिंग करते हैं तो एक दूसरे को हम स्टिकर भेज सकते थे चैटिंग के दौरान। तो अब इसी तरीके का कुछ फीचर व्हाट्सएप भी लेके आ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप में भी आप चैटिंग के दौरान किसी को भी स्टिकर भेज सकते हो, चाहे आप अपने फ्रेंड को भेजो या फिर ग्रुप चैटिंग के दौरान भेजो तो आप किसी को भी स्टिकर भेज सकते हो। लेकिन अफसोस वाली बात है कि ये जो फीचर ये अभी सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जो फीचर ये फिलहाल बीटा टेस्टिंग में, यानी कि जो बीटा टेस्टर होते हैं जिनके पास बीटा वर्जन है व्हाट्सएप का, उन्हीं के लिए जो फीचर ये अवेलेबल है। तो ये जो फीचर इसे मैं यूज कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप में, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस फीचर को व्हाट्सएप में कहाँ पे इंप्लीमेंट करा गया है, साथ ही आपको बताऊंगा कि इस फीचर को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात होगी, तो चलिए वीडियो यहां करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं वीडियो में पहले आपको बताया कि व्हाट्सएप भी नया फीचर लेकर आ चुका है, जो कि व्हाट्सएप का स्टिकर फीचर, जो कि पहले व्हाट्सएप में नहीं हुआ करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि ये फिलहाल सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है। तो वीडियो का लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फीचर इसे आप अपने स्मार्टफोन अपने व्हाट्सएप में किस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो वीडियो का लास्ट तक देखते रहो। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो फीचर है इसे व्हाट्सएप में कहाँ पर इंप्लीमेंट करा गया है, साथ ही इस फीचर का जो यूज़ है वो आप किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम अपना WhatsApp ओपन कर लेते हैं, और WhatsApp ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना WhatsApp ओपन कर चुका हूँ। तो WhatsApp ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी चैट विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैं अपना चैट विंडो ओपन कर चुका मेरे फ्रेंड के साथ, तो इसको एक मैसेज कर देते हैं, गुड इवनिंग। तो यहाँ चैट में हमें यहाँ जो इमोजी वाला आइकन दिखता है यहाँ पे हमें क्लिक करनी है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे आपको दो ऑप्शन दिखते थे पहले, जो कि इमोजी का हुआ करता था, और दूसरा जो ऑप्शन था वो जिप फाइल का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है स्टिकर फीचर का। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टिकर जो है वो यहाँ पे शो होने लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो घड़ी जैसा आइकन दिख रहा हमें, ये आइकन यहाँ पे जो भी इमोजीज हम लोग यूज़ करेंगे उसका यहाँ पे हिस्ट्री शो करेगा। जैसा कि हम इस इमोजी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हिस्ट्री में हमें वो इमोजी यहाँ दिखने शुरू हो जाएगा, यानी कि जो भी रिसेंटली हम लोगों ने स्टिकर चूज करा होगा, जो भी सेंड करा होगा वो यहाँ पे हिस्ट्री में दिखने लगेगा। और दूसरा जो यहाँ पे स्टार का आइकन दिख रहा, तो यहाँ पे वो सारे स्टिकर शो होंगे जिसे हम लोग ऐड टू फेवरेट करेंगे, यानी कि ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप स्टिकर पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप ऐड टू फेवरेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट स्टिकर है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। इसके अलावा तीसरा जो आइकन है यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज जो भी स्टिकर से वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। इसके बाद अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे वो सारे स्टिकर्स हमें देखने को मिलेंगे जिसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि हम लोग बहुत सारे स्टिकर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे बस क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्टिकर का बोले तो स्टोर खुल जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी के स्टिकर चाहिए उनमें बस डाउनलोड क्लिक कर देनी है, और डाउनलोड पे क्लिक करते ये सारे स्टिकर जो है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे इन सारे स्टिकर्स का फाइल साइज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टिकर है ये है 236 KB का। तो इसे मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी स्टिकर्स मैंने डाउनलोड करा था वो सारे स्टिकर्स यहाँ पे शो होने लगे हैं। तो यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाके आप अगर जो भी स्टिकर्स को डाउनलोड करोगे वो सारे यहाँ पे एक के बाद एक लगता जाएगा, और सारे स्टिकर यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो ये जो फीचर है व्हाट्सअप का स्टिकर फीचर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है। तो अगर आपको ये जो फीचर इसे अपने व्हाट्सअप में चाहिए तो बस आपको आपका जो व्हाट्सअप उसे अपडेट करके देखिएगा। अगर ये फीचर आपके व्हाट्सअप में आ जाता है तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप को डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टिकर वाला जो फीचर है इसे अपने व्हाट्सएप में भी यूज कर सकते हो। तो भाई अगर आपको ये फीचर अपने व्हाट्सएप में चाहिए तो इसके लिए आपका जो भी व्हाट्सएप है इसे बीटा वर्जन में अपडेट करना पड़ेगा, और ये जो फीचर ये फिलहाल व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.18.329 पर काम कर रहा है। और अगर आप एप्पल यूजर है तो इसके लिए आपको आपका व्हाट्सएप जो है उसे 2.18.100 वर्जन पे अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद आप व्हाट्सएप के स्टिकर फीचर को अपने स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा फीचर व्हाट्सएप के नए अपडेट को लेकर, व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।